आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद सिंगर मनकीरत औलख पर भी कई तरह के आरोप लगे। इस बीच मनकीरत ने अपनी तरफ से सफाई भी दी, लेकिन बम्बीहा गैंग ने मनकीरत को मारने की धमकी सोशल मीडिया पर दी थी। बम्बीहा गैंग की धमकी के बाद जहां पंजाब सरकार ने मनकीरत की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए, वहीं मनकीरत भी करीब 3 महीने पहले विदेश चले गए थे। पंजाब पहुंचकर पूरे टशन में दिखे मनकीरत। अब गायक मनकीरत औलख विदेश से वापस पंजाब आया है। बता दें कि मनकीरत ने लाइव शो में प्रस्तुति देनी थी, जिस कारण उसे दिल्ली जाना था। शनिवार को कड़ी सुरक्षा के साथ मनकीरत लाइव शो करने के लिए दिल्ली रवाना हुए। मनकीरत पंजाब पहुंचकर फिर से अपने पुराने अंदाज में पूरे टशन में दिखे। बाकायदा इंस्टाग्राम पर पंजाब पहुंचने की वीडियो रील भी बनाकर अपने फैंस के साथ शेयर की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को क्लीन चिट मिल गई है। पंजाब पुलिस की जांच में मनकीरत औलख का इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं मिला। मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा गैंग ने इसे औलख की साजिश बताया था। बम्बीहा गैंग ने कहा था कि मनकीरत औलख ही लॉरेंस गैंग को सभी पंजाबी सिंगरों की इंफॉर्मेशन देता है। वह सिंगर्स से पैसे इकट्ठे करके भी लॉरेंस गैंग को देता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।